कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस एडिशन ऑफ सैटरडे एसएमई सॉल्यूशंस ब्रॉट टू यू बाय क्या मतलब। हमने पहले चर्चा की थी अबाउट द वेरियस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स दैट एमएसएमईज फेस। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट ऑफ दोज चैलेंजेस, दैट इज एक्सेस टू फाइनेंस। सबसे बड़ा चैलेंज एक छोटे बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना होता है। अब नया बिजनेस है तो वो कहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड लाएगा और कहाँ से उसको प्रूव करेगा कि मेरे 3 साल के या 4 साल की परफॉर्मेंस क्या है या क्या होगी। ये तो बैंक को समझना है कि बिजनेस का मॉडल क्या है और कैसे उसको असेस कर सकते हैं। तो बैंक एक तरीका है लोन लेने का। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, उसको मार्जिन और प्रॉफिट और मार्केट सिचुएशन के बारे में बताना है अपने बिजनेस का, और बैंक उस पर डिसाइड करता है। इसमें सिडबी ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जुड़ के एक स्कीम निकाली है जहां वो 1 करोड़ का लोन विदाउट कोलैटरल एक एमएसएमई को देते हैं एट 8% एंड अबव इंटरेस्ट। ये स्कीम 59 मिनट्स में कहते हैं कि ऑनलाइन आप फाइल कीजिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है और एल्गोरिथम्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आपको 1 करोड़ का लोन 59 मिनट्स में मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम सिडबी के साथ है जैसे मैंने पहले बताया। तो इसका लाभ उठाने के लिए आप चाहें तो इसकी जानकारी सिडबी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक के अलावा देखें तो आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं अपने मॉडल की तरफ एंड गेट ड्रॉ फंडिंग फ्रॉम द पीपल हु यूज़ द इंटरनेट। अगेन देर इज़ लाइक अ स्टार्टअप होता है छोटा बिजनेस, उसमें एक बिजनेस आइडिया जो यूनिक है उसमें वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंडिंग एजेंसीज भी आपको पैसा लगा के आपके बिजनेस के साथ जुड़ सकती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत सारी हैं जिसमें आप अगर देखें तो सिडबी के अलावा बैंक्स भी आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स देती हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स में उसमें भी सब्सिडी मिलता है। तो एमएसएमईज के लिए इसके अलावा भी एक पीएलआई स्कीम अभी निकली है। तो देर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जिसकी अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इंटरनेट पे देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई की साइट में जाके ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर या लार्ज कॉरपोरेशन से डील करते हैं तो उसमें भी इश्यूज आते हैं कि आपकी जो लिक्विडिटी है उनके पेमेंट्स में फंस जाती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एमएसएमई एक्ट के अंडर, जहाँ आपको और उनको आपके कस्टमर और आपको रजिस्टर करने के बाद टाइम से आपको पेमेंट एक इंटरमीडिएटरी फैक्टरिंग एजेंसी के द्वारा आपको मिल जाती है, इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल नहीं फंसेगा। तो बहुत से जरिए हैं एमएसएमई, इतने कम समय में इतना कुछ बताना संभव भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमएसएमई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में जाके जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं एक एमएसएमई के लिए देखें और उसके बारे में जानकारी हासिल करें। थैंक यू। अगले सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपने दूसरे चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ।